वेलकम फैमिली, चटकारा फूड चैनल में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं अमृतसरी पिंडी छोले बना रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। काबुली चनों को अच्छे से वॉश करके 5 से 6 घंटे के लिए हमें इसे भिगोना होगा। इन्हें 2-3 पानी से वॉश कर लीजिए और पानी में नमक डालकर या तो रात भर या दिन में कम से कम 4-5 घंटे ढककर भिगो कर रख दें। दो कप पानी लेकर उसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डालकर बॉईल करें। जब कलर अच्छा आ जाए तो इस पानी को छान कर रख लें। जब तक ये पानी तैयार होगा, अपने टमाटरों को बड़े टुकड़ों में काट कर बॉईल करके पीस लेंगे। चने हमारे फूल कर जस्ट डबल हो चुके हैं। इनको एक बार फिर से धो लें। नमक की वजह से चनों के ऊपर जो भी गंदगी रही होगी वो अच्छे से पानी में उतर गई होगी। कुकर में 4 गुना पानी डालकर उन भीगे हुए काबली चनों को डालकर नमक, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और वो चाय की पत्ती का पानी इसी में डालकर सीटी लगा दें। सीटियां कम से कम 4 या 5 लगेंगी। किसी सोडे की ज़रूरत आपको नहीं होगी। चने अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। सारे खड़े मसाले चनों में इतना अच्छी खुशबू देंगे और जो चाय की पत्ती का पानी है वो कलर बहुत अच्छा लाएगा। मैंने इसमें कोई पोटली या किसी तरह के सोडे का कोई यूज़ नहीं किया है। अब 4 से 5 प्याज मोटे टुकड़ों में काट कर ग्राइंडर में मोटा मोटा सा पेस्ट बना लें। आप कढ़ाई में अपना मनपसंद ऑयल ले लें और जीरा डाल के प्याज डाल दें। मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग के टाइम डिलीट हो गई, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। प्याज को गुलाबी होने दें। अब इसमें हल्दी, अब इसमें काश्मीरी मिर्च डाल करके अच्छे से भून दें। हल्दी हल्के से भून जाती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी इनहेंस हो जाता है। अब गोल्डन ब्राउन होने लगी है प्याज, थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट कर दें, फिर भुनने दें। जो बॉयल टमाटर की प्यूरी हमने बनाई थी उनको भी मिक्स कर दें। अब हमारा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और हल्दी भी लगभग भूनने को तैयार है। इसमें हमारे बॉयल छोले मिला देंगे जिसमें सारे खड़े मसाले पड़े हुए हैं और अपना फ्लेवर छोड़ चुके हैं। इस रेसिपी को आप बगैर प्याज के भी बना सकते हैं। इसके लिए आप अनियन और गार्लिक को स्किप कर दें, बाकी सारा वैसा ही रहेगा। अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो जो छोलों का बॉयल पानी है वो भी इसी में मिक्स कर दें और अपनी हिसाब से कंसिस्टेंसी रखें। मुश्किल से 5 मिनट का बॉयल दें और थोड़ी सी कटी हुई प्याज, हरी धनिया और अदरक से मैंने इसमें बॉयल दिया है, जो कि कच्ची प्याज बहुत अच्छा टेस्ट देती है।
इन छोलों को आप भटूरे, कचौड़ी, रोटी या पुलाव किसी भी के साथ खा सकते हैं। लीजिए, छोले रेडी हैं, इंजॉय करें और सर्व करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।